लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर आई है कर्नाटक से, जहां पर पूर्व सीएम और भाजपा के खेवनहार कहे जाने वाले बीएस येदुरप्पा के घर पर बंजारा समुदाय ने हमला कर दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई है और इन लोगों की मांग आरक्षण से जुड़ी हुई है। आरक्षण को जिस हिसाब से इनसे वापस ले लिया गया, बदलाव कर दिया गया, उसको लेकर इन लोगों का गुस्सा फट पड़ा और कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को यह जोरदार झटका लग गया है। बीएस येदुरप्पा इस मामले में सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह असर विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर पड़ने वाला है। बीएस येदुरप्पा के बारे में कहा जाता है कि वो लिंगायत समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बंजारा समुदाय की नाराजगी उन्हें बहुत भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कास्ट को लेकर रिजर्वेशन है, जिन जिन कैटेगरी में इन कास्टों को बांटा गया है, वो सब हम आपको दैनिक भास्कर की खबर के हिसाब से आंकड़े वाइज भी बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर तो यही है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भीड़ जो है बीएस येदुरप्पा के घर पर हमलावर हो गई, जमकर पत्थर भी फेंके, जिसके बाद पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, इलाके में धारा 144 को लगाना पड़ा और ऐसे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया है। कर्नाटक में जिस हिसाब से जोर तोड़ की सियासत करने में, ध्रुवीकरण की सियासत करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, उसका अब खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं, ये सब इस कारण से हुआ है कि आरक्षण को लेकर लिए गए फैसले, कमीशन की रिपोर्ट के बाद जिसे लागू किया गया, मुसलमानों में ओबीसी मुसलमानों से 4% आरक्षण छीना गया, जो ये बंजारा समुदाय है उनके आरक्षण के साथ खेल किया गया, उनके आंकड़े जो है बांट दिए गए। इनका आरोप है कि ऐसा करने से बंजारा समुदाय के भीतर ही बगावत की स्थिति हो सकती है, कास्ट और कास्ट की लड़ाई छिड़ सकती है, इस वजह से इस आरक्षण को वापस लेने की जरूरत है। लेकिन यहां पर विवाद गहराता जा रहा है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट भी किया है उसी वीडियो को शेयर करते हुए। कर्नाटक में बंजारा समुदाय के लोगों ने पूर्व सीएम व बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा के घर पर किया हमला। अंदर घुसी भीड़ की मांग है कि आरक्षण पर लिया गया फैसला वापस लिया जाए, यानी बीएस येदुरप्पा के घर में घुसने की भी कोशिश हुई, बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। मामला साफ है कि आरक्षण पर जो फैसला लिया गया है, उस फैसले को वापस ले लिया जाए। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने क्या जानकारी दी है, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन में ही भास्कर ने लिखा है, कर्नाटक में येदुरप्पा के घर पत्थरबाजी, बंजारा और भोबी समाज के लोगों का हिंसक प्रदर्शन, एससी रिजर्वेशन में बंटवारे का विरोध। बंजारा समुदाय वहां पर एससी की कैटेगरी में आते हैं और एससी के भीतर ही कास्टिज्म को बढ़ावा मिल जाएगा, जिस तरीके से आरक्षण में बदलाव किए गए, उसके बाद इन सब ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया और निशाने पर बीएस येदुरप्पा आ गए। जबकि बीएस येदुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं है, ध्यान रखिएगा, मुंबई है मुख्यमंत्री, लेकिन निशाने पर येदुरप्पा आ गए, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें ही अभी आगे कर रखा है और इनके आगे आने का मतलब है कि येदुरप्पा के चेहरे पर बीजेपी वोट मांगेगी और वोट मांगने वाला जो चेहरा है उस पर ही अगर पथराव हो रहा है, उनके ही घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो मतलब साफ है कि अभी जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें कर्नाटक में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है और वहां कांग्रेस की जोरदार वापसी होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जिस हिसाब से बीजेपी ने इस बीच ऐसे फैसले लिए हैं, तानाशाही फैसले लिए हैं, उसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है और इस तरीके से आरक्षण पर लिए गए फैसले को लेकर भी नाराजगी है, तो बीजेपी को चौतरफा मार कर्नाटक में झेलना पड़ रहा है। असर तो बहुत बड़ा पड़ने वाला है वहां पर, क्योंकि वहां मुसलमानों को दरकिनार करने की भी कोशिश खूब हुई है। आप जानते हैं कि कैसे कर्नाटक हाईकोर्ट से सरकार ने एक फैसला लागू करवाया जिसमें मुस्लिम बेटियां हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती थी। मुसलमानों से इन लोगों ने इतनी चिढ़ बना ली है कि उनके खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले लेने लगे। उसके बाद ओबीसी मुसलमानों का 4% वाला आरक्षण भी खत्म करके उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाल दिया, उसको लेकर भी गुस्सा है। और अब बंजारा समुदाय खुलकर जब सामने आ गया है, तो मतलब साफ है कि कोई भी तबका इनसे खुश नहीं है।
ऐसे में 40% कमीशन वाली सरकार, जिस मुंबई सरकार को कर्नाटक में कहा जाने लगा है, उस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश भी साफ दिखाई पड़ने लगा है। जरा खबर में देखिए कि मामला क्या बताया गया है, क्यों ऐसा हुआ है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक की राज्य सरकार ने फैसला किया है कि शेड्यूल कास्ट SC को मिलने वाले आरक्षण को इस वर्ग की अलग अलग जातियों में बांट दिया जाएगा। बंजारा और भोबी समुदाय इसी का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इससे उनके समुदाय के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। अब बताइए कि इस मामले में BS येदियुरप्पा का कहना है कि बंजारा समुदाय को इस आरक्षण सिस्टम को समझने में ही कोई चूक हो गई है और इसलिए उन्होंने कहा कि बंजारा समुदाय को गलत फहमी हो गई है। येदियुरप्पा क्या कुछ कहे हैं उसके लिए जरा देखिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि बंजारा समुदाय के नेताओं को गलत फहमी हुई है, मैं उनसे बात करूंगा, CM के पास भी उन लोगों को लेकर जाऊंगा ताकि उनके शिकायतों का हल निकाला जा सके। बंजारा समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री बनने में मेरा साथ दिया है, मैंने SP और DC से कड़ी कार्रवाई नहीं करने को कहा, मैं इस घटना के लिए कांग्रेस या किसी और को दोष भी नहीं दूंगा। यानी BS येदियुरप्पा समझ रहे हैं कि उनके गले में घंटी बांध दी गई है और उस घंटी की आवाज जो है कहीं ना कहीं BJP को नुकसान तो कर ही रही है। और ऐसे में BJP भी सोच रही होगी कि जिसे हमने नेतृत्वकर्ता बना रखा है, खेवनहार बना रखा है, उनके खिलाफ ही अगर आक्रोश फट पड़ा है तो इसका चुनाव में कितना बड़ा असर पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा। अब जरा कानूनी तरीके से देखिए कि क्या कहा गया है। राज्य सरकार ने 24 मार्च को शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले आरक्षण को 4 हिस्सों में बांट दिया था। अब शेड्यूल कास्ट लेफ्ट को 6%, शेड्यूल कास्ट राइट को 5.5%, शेड्यूल कास्ट टचेबल को 4.5% और शेड्यूल कास्ट अन्य को 1% आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट के अंदर 101 जातियां आती हैं जिन्हें इन 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अब इसी को लेकर जो है यहाँ पे बवाल छिड़ गया है। बंजारा समुदाय ने खुलकर विरोध जता दिया है कि हमें आरक्षण का यह मॉडल नहीं चाहिए, इस सिस्टम से हमें दिक्कत हो जाएगी। अब जो ये सब कुछ हुआ है, जस्टिस सदाशिव कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही सरकार ने इस आरक्षण पैटर्न को लागू किया, लेकिन इसमें लोगों को शायद भरोसे में नहीं लिया गया। नतीजा यह हुआ है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में येदियुरप्पा को और भारतीय जनता पार्टी को बंजारा समुदाय ने सबक सिखाने का प्लान बना लिया और फिर देखिए कि यहाँ स्थिति क्या हो गई है। पथराव हुए हैं और ये लोग इसके शिकार हो गए। बंजारा समुदाय की मांग क्या है उसे समझना हो तो जरा भास्कर की खबर को थोड़ा सा देखिए। बंजारा और भोबी समुदाय के लोग इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह फैसला शेड्यूल कास्ट के अंदर आने वाली जातियों को बांटने का काम करेगी। दरअसल बंजारा और भोबी जाति शेड्यूल कास्ट टचेबल के अंदर आती है और इन्हें 4.5% आरक्षण दिया गया है। प्रदर्शनकारी इस आरक्षण को कम बता रहे हैं, इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो आरक्षण पैटर्न था वो कमीशन रिपोर्ट के आधार पर अगर हुई है तो फिर बंजारा समुदाय वालों को BS येदियुरप्पा कैसे मनाएंगे और कैसे अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि येदियुरप्पा ने खुद कहा कि इनके ही समर्थन से हम मुख्यमंत्री भी बने थे, तो इसका असर तो बहुत बड़ा चुनाव में पड़ने वाला है। BJP की सत्ता वह रेत की तरह फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव TV सच सबसे आगे।